अभी हम लोग निकल गए हैं ब्रेकफास्ट के लिए। हम लोग वैसे लेट तो हो गए, 10 बजे तक का टाइम होता है ब्रेकफास्ट का, हम लोग लेट जल्दी में 9:30 बजे तो उठे। आपको क्या है यहाँ पे? ठंड नहीं, आप शुरू से बोलो। यहाँ पर ना सिर्फ एक ही चीज है, ठंड। और मैं खाऊंगी ये। हेलो, हेलो, एक्सक्यूज मी, मैम एक फोटो, एक फोटो मैडम। ये क्या खा रहे हो आप? ये कौन से खाना आपको? अनीता मैम लाके दी। कब? अभी। ये खाना कौन से कहता आपको? ये कौन ये खाने से क्या होता है? ये खाने से पेट खाली खाली नहीं रहता, बराबर है। बस इतना ही होता है या और कुछ? आपको यहाँ पे शुद्ध शाकाहारी खाना मिल गया? मिल गया ना। हाँ। और क्या मिला आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा? फिर आपको चाहिए? राम राम करे। ये वेट कर रहे हैं, मेरे को दे दे जल्दी से। तो ये है मेरे लिए ब्रेड बटर जैम, जिसमें से ये इंसान लालच की नजर से इसको देख रहा है। ला आ, ला नहीं। ओके, हमारा ब्रेकफास्ट हो गया और हमारा थर्ड फ्लोर पे रूम है। सीढ़ियों से ही आना पड़ता है, यहाँ पे लिफ्ट नहीं है। सो हम लोग थक गई। देखो बाहर का व्यू। सो मैं रेडी हो गई और बेबू रेडी हो गए और बाकी सब रेडी हो रहे हैं और हम लोग अभी यहाँ से निकलने वाले हैं पशुपतिनाथ जी के मंदिर में, जो कि 2 बजे तक खुला रहता है और अभी टाइम हो रहा है 11। सो पहुँचना तो है, दर्शन भी करने हैं। आज का प्लान हमारा सिर्फ पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने का है, उसके बाद में थोड़ा बहुत इधर उधर, बाकी फिर कल के प्लान में देखते हैं कि क्या एड ऑन होने वाला है। बाकी हम लोग अभी होटल में और होटल में हम बाहर की लोकेशन देखते, तो इतनी प्यारी लोकेशन है ना, मतलब अभी तो हम लोग कहीं घूमे भी नहीं है, कहीं बाहर गए भी नहीं है और आए भी तो हम लोग नाइट में, तो नाइट में हमें कुछ दिखा नहीं, लेकिन यहाँ होटल से यहाँ पे बाहर का लोकेशन, बाहर का लुक जो लग रहा है ना, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सो अब लोग हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और कैब हो चुकी है हमारी, जो कि पशुपतिनाथ जी के मंदिर तक हम लोगों को वो ड्रॉप कर देगी और हम लोग यहाँ से फाइनली, मतलब कि हमारा 2 दिन का यहाँ पे स्टे रहेगा, 2 दिन के हम लोगों ने यहाँ पे स्टे लिया है और 2 दिन के स्टे के बाद में हम लोग काठमांडू घूमने वाले हैं। फिर यहाँ से एक और बहुत प्यारी जगह है जो कि अनिता मैम ने सजेस्ट की है, वो मैं आप लोगों को पक्का बिल्कुल कन्फर्म होने के बाद में ही उसका मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। सो फाइनली अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और पशुपतिनाथ जी के मंदिर के तरफ। हो सकता है हमें मोबाइल वगैरह अलाउ नहीं हो, बट और आपको पता है कि मंदिर में जाने के बाद में, मतलब मेरे थ्रू मोबाइल वगैरह काम भी नहीं लिया जाता, तो शायद वहाँ का मैं व्लॉग आप सबके साथ में शेयर ना कर पाऊँ, बट बाकी सब जगहों का मैं आप लोगों को बताती रहूँगी। बाकी आप लोग यहाँ की लोकेशन का मजा लीजिए। इन्होंने मास्क लगा लिया, बोल रहे अब आएगी मेरी बहुत अच्छी फोटो, क्योंकि अब मैंने नाक बचा लिया अपना। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं पशुपतिनाथ जी के मंदिर के लिए। बोलो जय माँ करनी भैया के हिसाब से। हमें तो हर तरह की पसंद है, बस जैसे अगर व्यू देखना है तो घूम सकते हैं। आप कितना पॉसिबल है एक दिन में? हाँ। आप कम से कम एक दिन में जैसे मंदिर जाना पशुपतिनाथ, वो तो पक्का है, जल्दी है। पोखरा पे ज्यादा जाएगा मैम, अभी बोर्ड लगे होंगे ना, वो तो पढ़ लेंगे। हाँ जी 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 हाँ। हम लोगों ने मंदिर में एंट्री कर ली है और मैं आप लोगों को अंदर का व्यू बताती रहूंगी कि कैसा क्या अंदर का चल रहा है। ऑल बोर्ड गाड़ी में, काफी भीड़ मिलने वाली है। अभी हम लोगों ने वो शूज वगैरह
रख के और ये टोकन नंबर मिला है। अब हम लोग अंदर करेंगे एंट्री। के अंदर आ चुके हैं और एंट्री पर ही इतनी अच्छी वाइब्स आ रही है, मतलब बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। पशुपति नाथ जी और बहुत बहुत भीड़ है यहाँ पे। अभी मेरी मावड़ी के दर्शन, जय माँ करनी, जय माँ दयाली जी। पशुपतिनाथ मंदिर की मेन द्वार है इसका। अभी आपको मैंने मास्क में ही पहचान लिया, इसीलिए हमने कहा हम आएंगे थोड़ा सा। मेरा किसके फोन में ले फोटो? फाइनली इतनी देर के बाद में हम लोग इसमें अंदर प्रवेश कर रहे हैं। सो हम लोग अंदर एंटर कर चुके हैं। अंदर अब फोन वगैरह अलाउ नहीं है, तो अब यहाँ तक का व्लॉग सिर्फ यहीं तक का ही रहेगा। महाकाल जय माँ करनी। तो हमारे सबके यहाँ के दर्शन हो चुके हैं और बहुत बढ़िया दर्शन हुए, बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं। और यहाँ पे और भी काफी छोटे मोटे बहुत सारे मंदिर हैं, सो उनके पे हमने दर्शन किए जितना हमसे बन पाए, जितना हम लोगों ने कर लिया। तो दर्शन बहुत अच्छे से हुए हैं। तो मतलब सुनते हैं कि यहाँ मांगी जाने वाली मनोकामना पूर्ण हो, तो अगर पूर्ण होती है तो हमको फिर से बुलाएंगे और हम फिर से यहाँ पे आएंगे। बाकी की मैं मतलब यहाँ के अच्छी जो मैंने अंदर जो चीज़ें देखी जो मैंने करी वो सब मैं आप लोगों को बाद में रूम पे जाके बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे क्राउड में आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। जय महाकाल जय महाकाल। फिर से हमारे शूज़ वगैरह ले लिए और अब देखते हैं कि हमें आगे कहाँ जाना है। चलो अभी थोड़ी दूर पे मतलब मंदिर के जस्ट थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है प्योर वेज। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ खाना खाने आए क्योंकि टाइम क्या हो गया है, तीन बजने वाले और हम लोगों ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ ब्रेकफास्ट के अलावा। ब्रेकफास्ट तो करना ही होता है ना। हाँ, ब्रेकफास्ट तो करना है, ठीक है। सो अभी हम लोग खाना खाने हैं, उसके बाद में हम लोग आज का प्लान बनाते हैं कि अभी फिर से इसके बाद हम लोगों को कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। हाँ, क्या ऑर्डर कर रहे हो आप? प्लीज कुछ स्पाइसी कर देना, क्योंकि रात वाला खाना भी ना बिल्कुल उसमें ना नमक थी ना मिर्ची थी अपन गए। की बात बताऊँ मतलब यहाँ पे खाना ना मतलब स्पाइसी नहीं होता, मतलब थोड़ा सा कम नमक मिर्ची का होता है। और अपन ठहरे राजस्थानी, अपन को लून नमक ज़्यादा ही पसंद है। तो अच्छा, छाछ मंगवा लेना। तो जहाँ पे हम लोग अभी रेस्टोरेंट में जा खाना खाने रुके हैं, यहाँ पे हमको मिले हैं शंभो और ये बेबो को बहुत पसंद है। सॉरी, इसमें हमारे पकौड़े आए थे लेकिन भूख बहुत ज़्यादा लगी थी इसलिए हम खा गए। और ये हमने मंगाया था मसाला पापड़, मिर्ची बहुत तेज लग रही उगाइया मसाला पापड़। सो ये छाछ स्पाइसी है, अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे लंच हो चुका ना yes. और यहाँ पे फाइनली मेरे को यहाँ पे खाना अच्छा लग गया, स्पाइसी बोल के हमने काफ़ी स्पाइसी बनवा लिया था। तो यहाँ पे हमारा लंच हो चुका। अब अनीता मैम कैब वगैरह करने के लिए हम ढूंढेंगे, कैब करने गए। बहुत दिन टेम्पल भगवान का, बहुत दिन टेम्पल। और ये जो गाड़ी आ रही है हम लोग इसमें जाने वाले हैं। ये तो नीचे जा रहा है, इसमें जाएंगे हम। जाओ लेट मत करो, हाँ ऐसे स्टाइल मार के आना चाहिए। वेरी गुड, चलो बैठो। लड़कियाँ इतनी सुंदर और बैठी कहाँ जाके। क्या हो रहा है आपके साथ? इनके पैर देख लो क्या, मेरे पैरों का तो ध्यान रख लिया था यार। <laughs>
बोलते हैं बुद्धा स्तूपा। रतन ये आप कहाँ आए हैं? स्तुति नहीं स्तूपा, बुद्ध स्तूपा में। गौतम बुद्धा का यहाँ पे क्या है आप बताओ? गाइस अच्छी फोटो आती वहां तो रुकती है। लोगों के पीछे पीछे चलते छुप छुप के कैसे कैसे जा रहे हैं ये देखना। मैडम हाय मैम, मैम आप जयपुर से हो? इंडिया से? फिर कहाँ से हो? एलियन। ओह माय गॉड। मैम आप कहाँ घूम रहे हो? कितनी देर हो गए आपको यहाँ पे घूमते हो कंटिन्यू? आप कहाँ जा रहे हो? ओ वाओ, यहाँ से ये खिड़की खोल लेंगे। और देखना यहाँ से ये लोग एंजॉय करेंगे ये व्यू। सो ये हम लोग ये रोड साइड एक कैफे है जहाँ पे हम लोग चाय वगैरह पीने आए हैं और यहाँ से पूरा व्यू दिख रहा है यहाँ का। आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। सो मतलब बेस्ट जगह लगी मुझे ये और बहुत ही प्यारी जगह जहाँ मुझे लेके आए ये। Oh.
खाने की होती है, पीछे थोड़ी है। ठीक है, ये थी हमारी लास्ट घूमने फिरने वाली जगह आज के लिए, और अब हम लोग जाएंगे होटल से, थोड़ा सा यहाँ पे और घूमेंगे, और अगर इनका मन हुआ मेरे को स्वेटर वगैरह दिलाने का तो दिला देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं जबरदस्ती रो रो के ले लूँगी। और फिर हम लोग और लाटे, सो अब हम लोग जाएंगे रूम पे, और वहाँ पे मैं एंड कर दूँगी अपना व्लॉग। सो ये आ गई है हमारी कॉफ़ी, और ये हमारी मैडम की दार्जिलिंग चाय। आप एशिया भाई, यहाँ पे हो गई कॉफी, और इन्होंने जो दार्जिलिंग चाय मंगाई थी, भाई भगवान पता नहीं कैसे पी लेते हैं ये, हमारी पारुल ने पी थी। सो ये थी हमारी डे थर्ड की ट्रिप, हम लोग गए पशुपतिनाथ जी के मंदिर और बुद्धानाथ स्तूफा, दोनों बहुत प्यारी जगह थी। इसके अलावा हम लोग एक जगह और गए थे शंभू, तो वहाँ का मैं आप लोगों को क्लिप्स नेक्स्ट वाले व्लॉग में ऐड करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि वाला व्लॉग काफ़ी लंबा जा चुका है, और मतलब फीलिंग जो होती है ना वो अपन एक कह सकते ना कि किसी वीडियो के थ्रू अपन दिखा के, या फिर मतलब मैं बोल के भी नहीं बता सकती, वो अपन ने फील किया। तो सनीता मैम बोलते ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको अपन फ़ोन में भी कैप्चर नहीं कर सकते, ना अपन उनको मतलब बोल के बता सकते हैं। तो मेरा मानना है कि मतलब कि एक वाव वाली फीलिंग थी, मेरे को इससे ज़्यादा अच्छे से तारीफ करनी नहीं आती कि कैसे किसी जगह की तारीफ की जाती है, मतलब बहुत ही अमेजिंग जगह थी ये। सो जब आप कभी नेपाल आए, मतलब नेपाल घूमने के लिए बेस्ट जगह है, और मैंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी नेपाल आऊँगी, लेकिन मैं आ गई वो इन दोनों की वजह से। सो ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और होप्स आप सभी को मतलब देखने में मजा आ रहा होगा, क्योंकि जितनी कोशिश हो सकती है ना उतनी मैं भी कैप्चर करने की कोशिश करती हूँ, और हमारी अनिता मैम को तो वही शौक वीडियोस वगैरह बनाने का, मतलब हमारे वीडियोस बनाने का, उनको नहीं सॉरी आके निकाल रहे हैं। सो है ना, होप्स आप सबको अच्छा लग रहा होगा, मजा आ रहा होगा। बाकी मतलब हमें एक वन मतलब आप लोग कह रहे थे कि 100 पे 158, वो हम लोगों ने जब एक्सचेंज करवाए थे तब 158 मिला था। हाँ, यहाँ पे जो वैल्यू है वो 100 की 160 है, तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है, वो हम वो मतलब कि वो एक्सचेंज करवाते ना तब उसमें 158 मिलता है। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ में, और आगे के ब्लॉग्स देखते रहिए। थैंक यू सो मच, जय माता दी।